कुल्लू जिला में जिला परिषद भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कानून की विभिन्न जानकारियां दी गई। CDPO कुल्लू गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रोटेक्शन ऑफिसर और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और पुलिस विभाग के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा कानून के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि न्यायालय के द्वारा भी घरेलू हिंसा के मामले में मध्यस्थता के तहत सुलझाए जा रहे हैं, ताकि परिवार आपसी वाद विवाद को सुलझाकर अच्छे से जीवन यापन कर सके। इस हफ्ते जैसा कि सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है, तो उसी कड़ी में एक विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए कि डेली की एक एक्टिविटी हमने रोज की करनी है, जो कि पूर्व एक्टिविटीज इनको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से। तो उसी कड़ी में आज हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और पॉक्सो एक्ट 2012 इसके ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमने जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं सभी ब्लॉक्स के, उनको इनवाइट किया था और साथ में पुलिस विभाग से जो ऑफिसर्स और कर्मचारी आए थे वो थे। और इसका मकसद इनके थ्रू, क्योंकि इन्होंने फील्ड में डायरेक्टली ये चीज़ डील करनी होती है बच्चों के और महिलाओं के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, तो ताकि इनके कुछ जो एक तरह से जो कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ इनको किसी चीज़ की कमी है, कोई नॉलेज कम है, तो उसके लिए हमने ये वर्कशॉप का आयोजन किया था। जो सीनियर एडवोकेट कुल्लू कोर्ट के हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, उनको हमने बतौर रिसोर्स पर्सन इसमें रिक्वेस्ट किया था, और साथ ही हमारे ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी जो मैम वीना शर्मा जी हैं उनको भी हमने इसमें एज ए रिसोर्स पर्सन इसमें शामिल किया था। मैं सर ऐसा है जैसे अब जो भी केसेस मान लो फील्ड में आ रहे हैं, तो जैसे विकल साहब कह रहे थे कि हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर महिलाएं जो है परिवार के साथ ही रहें, कि मेडिएशन का जो है वो कंसेप्ट ज़्यादा इसमें किया जाए, ना कि हम उनको सेपरेशन के लिए की तरफ जोड़ें। तो ये इसका हम भी यही चाहते हैं कि मतलब जो भी महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेडिएशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इसमें।